सागर जिले के गढ़ाकोटा में 2 मार्च से शुरू हुए रहस्य महोत्सव मेले के आखिरी दिन लाडली बहना योजना के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। लाडली बहना कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में किया गया। भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में सागर कलेक्टर दीपक आर्य तथा जिले के समस्त आला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि यह योजना समस्त बहन बेटियों के लिए है। इस योजना से बहन बेटियों को संबल प्रदान होगा। कार्यक्रम में शुरुआत में लाडली बहना योजना फॉर्म को किस प्रकार से भरना है तथा क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्व सहायता समूह का चेक वितरण किया गया तथा दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल एवं अन्य उपकरण वितरित किए गए। भोपाल से जमुरी मैदान में चल रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा गया, जिसका प्रसारण गढ़ाकोटा में किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी एवं हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आज हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत ही बड़ा उपहार का दिन है, बहुत बड़ा आनंद का भी दिन है, स्वावलंबन का भी दिन है। और ये कहूँ कि हर प्रकार से उनके जीवन में खुशहाली लाने का भी दिन है। वजह हमारी लाडली बहना योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो योजना शुरू की, जिसका आज से शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 5 तारीख से हुआ है और लगातार आज से इसके फार्म भरने 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे और लगभग 40 दिन फार्म भरे जाएंगे। ये योजना महिलाओं के जीवन में काया पलट की और एक प्रकार से कहूँ कि उनके लिए स्वाभिमान से जीवन जीने की एक बहुत बड़ी योजना है। एक महिला जिसके लिए 12,000 रुपये साल में मिले, अन्य स्रोतों से तो वो थोड़ा बहुत जितना है कमाएगी ही, लेकिन उसके लिए 12,000 रुपया मिले, सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज मिल रहा है, खाने के लिए, रहने के लिए मकान मिल रहा है, अब घर हर घर में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं नल जल योजना के माध्यम से। तो सभी तरह से सुविधाएँ लक्ष्मी लाडली योजना चल रही है, जिसमें बच्चियाँ जो पढ़ती हैं उनके लिए कॉलेज में जब जाएंगी तो 12,500 रुपया, फिर 12,500 ऐसा 25,000, बाद में 1,00,000 रुपया सबके लिए मिलेगा। कुल मिला के संबल योजना में भी 16,000 रुपया डिलीवरी के पहले और बाद में मिलता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के लाभ महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, ये स्तुत्य है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार की योजनाएँ नहीं चलती, ये सभी के लिए फायदेमंद। महिलाएं 50% महिलाएं हैं, हमने आरक्षण भी दिया है इसी कारण से कि महिलाएं जो हैं सशक्त हों, राजनीतिक रूप से सशक्त हों, तो वो तो आरक्षण के कारण संभव हुआ, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी। इसमें लाडली बहना योजना बहुत ही कारगर योजना साबित होगी। रहली से रोहित अहिरवाल की रिपोर्ट।